एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आज के वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपकी एक गलती घर में आपके बच्चे को कमजोर बनाती है, मतलब वजन नहीं बढ़ता और बच्चा फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक रह सकता है। तो कौन सी वो ऐसी गलती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप समय चलते उस गलती को सुधार लेंगे और बच्चे को कमजोर होने से गर्भ में आप बचा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में सारे न्यूट्रिशन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके साथ ही है कैल्शियम। फ्रेंड्स, कैल्शियम बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कहने का मतलब सीधा यही है कि बच्चे के विकास के लिए ही कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी प्रेगनेंसी में कैल्शियम अहम रोल निभाता है। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट आपको स्टार्ट कर देते हैं, जो लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में एक दिन में कम से कम 1000 mg तक कैल्शियम आपको जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में कैल्शियम की मात्रा सही रहती है तो क्या होता है, गर्भ में बच्चे की हड्डियाँ, नेल्स और साथ में संपूर्ण विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आप प्रेगनेंसी में गलती कर देती हैं और कैल्शियम का सेवन सही तरीके से नहीं करती हैं, इससे क्या होगा कि गर्भ में बच्चे की हड्डियां कमजोर रह सकती है, बच्चे के विकास में भी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में जब आपका बच्चा जन्म लेगा तो कमजोर पैदा हो सकता है। बच्चे को ही इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम है। आपको इससे क्या होगा कि आपकी बोन्स तो वीक हो ही जाएंगे, डिलीवरी होने के बाद आपकी बोन्स में बहुत ज्यादा पेन होगा, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको कैल्शियम की कमी से हाई बीपी की शिकायत भी रह सकती है, और जब हाई बीपी होगा तो ना तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन बने रहते हैं। कैल्शियम की प्रेगनेंसी में तो जरूरत होती है, साथ में डिलीवरी के बाद भी जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा आपको फीड करना स्टार्ट करता है तो बच्चे को भी कैल्शियम आप ही के फीड के जरिए मिलता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में तो कैल्शियम की मात्रा पर आपको ध्यान देना ही है, साथ में आपको डिलीवरी के बाद भी ध्यान देना है। जैसे कि डिलीवरी के बाद आपको हड्डियों में दर्द की शिकायत ज्यादा हो जाती है, आप उससे भी बची रहेंगी। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी में आपको कैल्शियम का लेवल सही लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की मेडिसिन दी है वो तो आप डेली लेते ही रहिए, साथ में अपनी डाइट में आप दूध, छाछ, लस्सी, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, दही, इसके साथ ही बीन्स, जो फलियों वाली सब्जी होती है वो आप लें, से राजमा है, सोया है, ये सारी चीजें लें और फ्रूट जूस ज्यादा लें। इससे क्या होगा, फ्रूट जूस में जैसे कि कैल्शियम होता है और विटामिन सी भी होता है, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना ही है, डेली करना है। दूध आपसे ज्यादा नहीं पिया जाता है तो आप दही लीजिए, छाछ लीजिए, लेकिन लेना जरूर है। ये चीजें अगर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सही मात्रा में लेते रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो सही बनी रहती है, कैल्शियम की कमी आपको नहीं हो पाती है, जिस वजह से बच्चे की गर्भ में ग्रोथ ठीक तरीके से होती है, हड्डियों का विकास ठीक तरीके से होता है और कोई भी परेशानी नहीं आती है जन्म के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप इस चीज पर अब ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर इंक्लूड करेंगे, जिससे आप भी सेफ और आपका गर्भ में बच्चा भी सेफ, बच्चे का विकास भी सही और आपको भी कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे। लेती हूँ विदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।